नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपको लेके आए हैं वसई तालुका में। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वसई तालुका के वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति फ कार्य क्षेत्र अंतर्गत बिलालपाड़ा संजय नगर की ये तस्वीरें हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन होने के कारण कई जरूरतमंदों तक भोजन की व्यवस्था पहुंच नहीं पा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से कई कोशिशें की हैं, किंतु कई जगह पर अभी तक उन कोशिशों का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा जो भोजन बनाया जा रहा है, जो वितरित किया जा रहा है, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी के तौर पर ही दिया जा रहा है। उस संदर्भ में कुछ समाज सेवियों ने इस विषय पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों तक उनकी भूख मिटाने का प्रयत्न किया है, और इस प्रयत्न में बिलालपाड़ा के संजय नगर क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 1000 से 1200 लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये भोजन खिचड़ी नहीं बनाई जाती है, यहाँ पर दाल चावल भाजी और चावल का प्रबंध किया जाता है। यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन अलग अलग व्यंजन यहाँ तैयार किए जाते हैं, और करीब 1000 से लेकर 1200 लोगों तक इस व्यंजन को बांटा जाता है। तो ये एक पहल है कुछ लोगों के द्वारा मिलकर यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है, लोगों की भूख को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आपको बताते चले कि उक्त जो कार्यक्रम है भोजन वितरण करने का, इसमें मुख्यतः रूप से प्रमोद सिंह, शक्ति जनहित मंच, राहुल तिवारी बहुजन विकास आघाड़ी, नीतू पांडे महिला मंडली व अन्य लोगों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर समाज सेवा कर रहे राहुल तिवारी बहुजन विकास आघाड़ी व नीतू पांडे महिला मंडली का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका नाम बताएंगे सर? मेरा नाम राहुल तिवारी जी। मैं बहुजन विकास आघाड़ी का युवा अध्यक्ष हूँ, बिलालपाड़ा वार्ड क्रमांक 41 से जी। ये संजय नगर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत 15 दिनों से यहाँ पर लोगों के लिए राशन, जो अब्दुल चाचा ने सिर्फ राशन दिया, बाकी जो खर्चा है हमारी एक टीम प्रमोद भाई है, मैडम है, ये लड्डन भाई का सहयोग है, अजीत भाई है, बाकी हमारे और कई सहयोगी हैं, अंकुर भाई, और ऐसे कई लोग मिलकर के हम लोग कार्यकर्ता जो बिलाल पढ़े के हैं संजय नगर, सब लोग मिलकर के ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग भोजन का वितरण कर रहे हैं, वो कितने दिनों से कर रहे हैं अभी तक? फिलहाल 15 दिन हो गया। और कब तक ये चलेगा? जब तक सहयोग थोड़ा मिलता रहेगा, और हम लोग जब तक कर सकेंगे, जब तक रहेगी ताकत तब तक करेंगे। तो इसमें किसका चाहते हैं कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो तब तक करें। इसमें किसका किसका सहयोग है? सहयोग का अब्दुल चाचा का इसमें है, राशन का सहयोग दिया, जो दाल चावल जो मिलता है ये वो देते हैं, बाकी तो सहयोग हमारे कार्यकर्ता लोगों का। तो कितने लोग इस चीज़ को अभी तक लाभ ले पा रहे हैं, कितने तक का आपको पहुँचा पा रहे हैं? टारगेट 1000 से 1200 का रोज का रहता है, लगभग उतने लोग आते भी। तो एक टाइम रहता है या फिर दोनों टाइम? नहीं, एक टाइम शाम के टाइम पर ही रहता है। शाम के टाइम रखते हैं आप लोग। तो क्या क्या रहता है इसके अंदर भोजन में, क्या क्या रहता है? अभी हर जगह खिचड़ी रहती है, लेकिन इसलिए हम लोगों ने खिचड़ी नहीं करके सब्जी चावल और दाल चावल करके रखा। मैडम, यहाँ पे जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बिलालपाड़ा में काफी लोगों को आप लोग मुफ्त में भोजन की व्यवस्था आप लोगों ने, आपके टीम के द्वारा यहाँ पे कराई गई है, तो आप अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, तो लोगों को आप क्या संदेश, इससे क्या संदेश कुछ देना चाहते हैं आप? वो लोग भी कुछ, जो पब्लिक है जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ मदद करें, और इस समय नहीं मदद करेंगे तो कभी मदद करेंगे। और हमारे इधर जो भी महिला है, मतलब जितनी भी हमारी कार्यकर्ता सब इधर उपस्थित हैं, हम लोगों ने दोपहर में 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक जो भी चावल में अपनी रहता है, हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे यहीं पे सुनते हैं, सुनने के बाद प्रमोद भाई उनका पूरा कार्यकर्ता जो है
और निस्वार्थ भाव से वो लोग सेवा करते हैं, बनाते हैं पूजा पंडित। अब आप देखिए वो बाकी रहे पूरा अपना जो भी करते रहते हैं अपना पूरे निस्वार्थ निष्ठा से एकदम स्वाद निभाते हैं।